ओके, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स की बात हो रही है, चैप्टर नंबर टू चल रहा है हमारा, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ओपनिंग स्क्रीन ऑफ विंडो। तो जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ होती है, जैसे कि हमने बताया था आपको, ये एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। तो उसमें जो हमारी फर्स्ट स्क्रीन आती है डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप पर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं हमारे, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो लगभग हम पेज नंबर 25 पर पहुंच गए हैं। तो हेडिंग दिया है मेन्यू बार। मेन्यू बार क्या कह रहा है, द रो ऑफ द वर्ड जस्ट बिलो द टाइटल बार कॉन्स्टिट्यूट्स द मेन्यू बार। टाइटल बार के जस्ट नीचे जो बहुत सारी मेन्यूज होती है उसमें मेन्यू बार कंसीड रहती है, यानी कि कोई भी विंडो आप अगर ओपन करते हैं, किसी भी प्रोग्राम को ओपन करते हैं, जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट पेंट को ओपन किया, तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट में सबसे ऊपर की जो हमारी विंडो होती है, विंडो में सबसे ऊपर की टाइटल बार आती है, टाइटल बार के जस्ट नीचे हमारी मेन्यू बार होती है जिसमें बहुत सारी कमांड्स हमारी होती है जिसके थ्रू हम किसी भी प्रोग्राम में कोई भी टास्क हो उसको कंप्लीट करते हैं। तो मेन्यू बार के अंदर रो ऑफ द वर्ड जस्ट बिलो द टाइटल बार, बिलो द टाइटल बार कॉन्स्टिट्यूट द मेन्यू बार, इसके जस्ट नीचे मेन्यू बार होती है। द मेन्यू बार अपेयर ओनली इन एप्लीकेशन विंडो। मेन्यू बार केवल एप्लीकेशन विंडो में ही आपको मिलेगी, कोई भी एप्लीकेशन विंडो खोल लीजिए, चाहे आपने माइक्रोसॉफ्ट पेंट खोला है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किया है, या फिर एक्सेल ओपन किया है, तो ये सब क्या है, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसमें ही आपको मेन्यू बार नीचे नजर आएगी। एंड नॉट इन ए डॉक्यूमेंट्स विंडो, किसी भी डॉक्यूमेंट्स विंडो में आपको मेन्यू बार नजर नहीं आएगी, अगर आप चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स विंडो में मेन्यू बार नजर आए नहीं आएगी। ईच वर्ड ऑन द मेन्यू बार रिप्रेजेंट ए मेन्यू विच ओपन अप वैन यू क्लिक इट। और हर मेन्यू बार में कमांड्स होती है और तभी ओपन होता है जब उस पर आप क्लिक करते हो। द नेम ऑफ द मेन्यू बार मे वेरी प्रोग्राम टू ओपन, बट दे हैव सम कॉमन हेडिंग सच एज फाइल, एडिट विंडो एंड हेल्प। तो मेन्यू बार में अधिकतर आपको बहुत सारे हेडिंग मिल जाएंगे, जैसे फाइल हो गया, ओपन हो गया, तो इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, दिया है पेज नंबर 26। तो पेज नंबर 26 पे क्या कर रहा है, देखिए भाई, पेज नंबर 26 पे हम आ गए, अब आपको अच्छे से मेन्यू बार समझ में आ जाएगी। तो इसमें दिया है चूजिंग चूजिंग मेन्यू कमांड्स। चूजिंग मेन्यू कमांड्स इन्वॉल्व टू स्टेप। अगर आप कोई भी कमांड्स मेन्यू बार की लेना चाहते हैं तो वो टू स्टेप में इन्वॉल्व रहती है। क्लिक टू ओपन इट, सबसे पहले आप उस पर क्लिक कर दीजिए और उसको ओपन कर लीजिए। स्टेप टू क्या दिया है, सेलेक्ट इन द रिक्वायर कमांड फ्रॉम द मेन्यू बार। अगर आपको कोई भी कमांड चाहिए आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि नीचे दिया है, मैं इधर डायग्राम दिखाना चाह रहा हूँ आपको। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, फाइल, उसके बाद एडिट लिखा है, एडिट थोड़ा हाइड है, उसके बाद फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो ये जो लिखी हुई है, ये जो बार है पूरी जिसमें फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू लिखा है, ये क्या है हमारी, ये हमारी मेन्यू बार है। और इस मेन्यू बार में अलग अलग कमांड है, जैसे फाइल हो गया, फाइल की अलग कमांड होती है, एडिट दिखाया है इसने, एडिट की अलग कमांड है। देखो भाई, एडिट की क्या है, अंडू है, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट, टाइम, डेट, इतनी सारी चीज़ें आपको एडिट कमांड में मिल जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। नेक्स्ट स्टेप क्या दिया इसने, टू ओपन ए मेन्यू टू डू फॉलोइंग स्टेप्स। तो कोई भी मेन्यू अगर आपको ओपन करनी है तो नीचे कुछ स्टेप्स दिए हैं जिनको फॉलो करके आप इसे ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, यूजिंग द माउस क्लिक ऑन द मेन्यू नेम और यूजिंग कीबोर्ड प्रेस आल्ट प्लस अंडरलाइन लेटर इन द मेन्यू नेम। आपके पास दो मेथड है, या तो आप माउस से क्लिक कर दीजिए जिस मेन्यू को आप ओपन करना चाहते हैं तो मेन्यू आपकी ओपन हो जाएगी। दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड ये होता है, कीबोर्ड से आप शॉर्टकट कीज का यूज करके भी मेन्यूज को ओपन कर सकते हैं। ओल्ड की प्रेस कीजिए, सपोज दैट मुझे कोई भी फाइल ओपन करनी है तो मैं ओल्ड प्लस ओ प्रेस करूंगा, ओ मीन्स ओपन, तो हमारा जो ओपन डायलॉग बॉक्स है वो हमारे सामने ओपन होके आ जाएगा। इसने एग्जाम्पल भी दिया है नीचे, फॉर एग्जाम्पल टू ओपन द एडिट मेन्यू प्रेस ओल्ड प्लस ई की टूगेदर, तो एक साथ दोनों की प्रेस करनी है, ओल्ड प्लस ई, तो एडिट मेन्यू आपके सामने खुल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्या दिया, आफ्टर ए मेन्यू इज ओपन, जैसे आपकी मेन्यू ओपन हो जाएगी, यू कैन सेलेक्ट ए मेन्यू, कोई भी कमांड जो उसमें दी है एडिट मेन्यू में, जैसे कि मैंने आपको पिक्चर्स अभी अभी दिखाई थी,
एडिट मेन्यू है, दिखाई दे रही है। इसमें कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, ये सब चीजें, कोई भी कमांड आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप दिया है, बाय टाइपिंग द अंडरलाइन लेटर इन द कमांड नेम, एग्जाम्पल P4 पेस्ट। अगर हम वर्ड की बात करें, कोई भी शॉर्टकट की आपको यूज करना है, जैसे P का मतलब पेस्ट हो जाता है, C4 कॉपी होता है, तो आप कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्या दिया है, बाय क्लिकिंग ऑन कमांड नेम, आप किसी भी कमांड नेम पर क्लिक करके इसका यूज कर सकते हैं। बाय प्रेसिंग द ड्रोन डाउन एरो, अपेयर एरो कीज, हाईलाइट द डिजायर कमांड नेम एंड देन प्रेस द एंटर की। किसी भी की पर आप माउस को ले जाइए जिस पर हाईलाइट हो जाएगा, और एंटर की प्रेस करेंगे तो भी वो कमांड हमारी रन हो जाएगी। टू क्लोज ए मेन्यू विदाउट सेलेक्टिंग एनी कमांड, अगर इस मेन्यू को आप क्लोज करना चाहते हैं बिना किसी कमांड को सेलेक्ट किए, बाय चांस आपसे बाय मिस्टेक ओपन हो गई है, अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो आप बंद भी कर सकते हैं। एस्केप की प्रेस द एस्केप की, कीबोर्ड में सबसे टॉप कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर में हमारी एस्केप की होती है, उसका यूज करके उसे प्रेस करके भी इसे क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दिया है, स्पेशल इंडिकेटर इन मेन्यूज, कुछ स्पेशल कमांड्स के थ्रू हम स्पेशल इंडिकेटर देते हैं, जैसे कि इधर दिया है। मैं पहले पिक्चर्स दिखाना चाहेंगे आपको पढ़ाने से पहले। जैसे दिया है कट, कट के सामने लिखा है Ctrl+X, अगर आप कीबोर्ड से Ctrl+X प्रेस करोगे तो भी ये कमांड हमारी रन होगी। कॉपी दिया है, Ctrl+C का यूज करेंगे तो भी कमांड रन होगी। पेस्ट दिया है, Ctrl+V यूज करेंगे तो भी हमारा ऑब्जेक्ट पेस्ट हो जाएगा। डिलीट दिया है, डेल कमांड यूज करेंगे, DELE डेल होता है कीबोर्ड में। फाइंड से Ctrl+F, फाइंड नेक्स्ट F3 दबाएंगे, रिप्लेस से Ctrl+H और गो टू से Ctrl+G, सेलेक्ट के लिए हम करेंगे Ctrl+A, डेट एंड टाइम के लिए, अगर हमें डेट एंड टाइम चाहिए अपने डॉक्यूमेंट्स में तो हम F5 की का यूज कर सकते हैं कीबोर्ड से। तो उसने हेडिंग दिया है, अभी हेडिंग क्या दिया है, स्पेशल इंडिकेटर इन मेन्यू, व्हेन यू ओपन ए मेन्यू यू वुड नोटिस दैट मे ऑफ द कमांड हैव एडिशनल वर्ड्स और सिंबल्स नेक्स्ट टू द कमांड्स नेम, जहाँ पर हमारी कमांड्स नेम होती है उसके सामने कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स या फिर स्पेशल सिंबल्स भी दिए रहते हैं। दीज एडिशनल वर्ड्स और सिंबल्स नेक्स्ट टू कमांड नेम इंडिकेट द फॉलोइंग्स, तो वो कुछ कमांड्स जो हैं जिसके नाम से जानते हैं हम स्पेशल इंडिकेटर्स, उनको हम कहते हैं। जिनकी जैसे कट है, कट के सामने क्या आएगा, Ctrl+X, तो ये जो स्पेशल वर्ड है या फिर सिंबल्स है इसको हम स्पेशल इंडिकेटर कह सकते हैं मेन्यू बार का। तो उसमें दिया है ग्रे डायमंड कमांड्स, तो ग्रे डायमंड कमांड, व्हेन ए कमांड इज डिस्प्ले एज ग्रेड और डायमंड इट इज मीन्स दैट इज चॉइस इज नॉट ए करेक्टली अवेलेबल फॉर, अगर आप इस तरह का कोई भी बॉक्स आपके सामने आ सकते हैं तो आपने करेक्ट कमांड को चूज नहीं किया है। ए कमांड कैन बी डिमांडेड फॉर मैनी रीजन्स, फॉर एग्जाम्पल इफ ए विंडो इज ऑलरेडी मैक्सिमाइज कमांड, सपोज दैट एग्जाम्पल दिया, अगर आपकी विंडो पहले से ही मैक्सिमाइज है, अगर आपने मैक्सिमाइज की का प्रेस किया है तो सिस्टम आपका वर्क नहीं करेगा, एक डिमांड बॉक्स दे देगा, वो आपको बताया कि आपकी चॉइस डज नॉट मेक केस, आपने जो यूज किया है केस वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्या दिया हमारे पास, इलिप्स दिया है, नेक्स्ट टू कमांड मीन्स दैट यू विल बी आस्क्ड फॉर द एडिशनल इंफॉर्मेशन बिफोर इट्स एग्जीक्यूट सेलेक्शन सच एज कमांड, डायलॉग बॉक्स अपेयर ऑन द स्क्रीन आस्किंग यू प्रोवाइड द एडिशनल इंफॉर्मेशन। इलिप्स से मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको कंप्यूटर नोटिफिकेशन देता है तो वो इलिप्स टूल्स में आपको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे भाई, नेक्स्ट पेज क्या दिया है, इसमें थोड़ी जो कमांड्स हैं अटपटी सी है, आपको थोड़ा बोरिंग लगे लेकिन आपको पढ़ना तो ये पड़ जाएगी। की कंबाइनेशन, तो चलिए चेक मार्क्स, ए चेक मार्क्स प्री सेंडिंग द कमांड मीन्स द कमांड इज द टोगल दैट इज द एक्टिवेट टर्न ऑन, सपोज दैट आप जैसे आप राइट क्लिक करते हैं किसी भी उसमें बॉक्स होता है, उसमें आप क्लिक करते ही इसमें राइट हो जाता है, तो ये कमांड हमारी ऑलरेडी टर्न ऑन है, यानी कि कमांड हमारी रन है, उसको बोलते हैं चेक मार्क्स। फिर दिया ट्रेंगल, ट्रेंगल टू द राइट ऑफ द मेन्यू कमांड मीन्स द कॉमन कमांड हैज एडिशनल कास्केडेड मेन्यू सेम वे द वुड फ्रॉम द नॉर्मल मेन्यू, तो यहाँ पर दिया है अभी देख लीजिए, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, सेलेक्ट ऑल, ये सब क्या है हमारे केसेस है, शॉर्टकट पॉप अप मेन्यू है, ये हमारी खुल के आ जाती है। फिर दिया है डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स क्या है, डायलॉग बॉक्स एक इस तरह की विंडो है, जब भी आप किसी भी
कमांड को ओपन करते हैं, किसी भी कमांड को रन करते हैं, तो एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है। तो एक स्पेशल टाइप विंडो होती है। तो डायलॉग बॉक्स में क्या कहा इसने, ऊपर शॉर्टकट मेन्यू दिया है भाई, ये छोड़ दीजिए, आप की कम्बाइनेशन दिया है, तो ये आपके समझ में नहीं आने वाले। आगे चलते हैं सीधा डायलॉग बॉक्स से। ए डायलॉग बॉक्स इज ए स्पेशल टाइप ऑफ विंडोज दैट आस्क यू टू क्वेश्चन, अलाउ यू टू सी सेलेक्ट ऑप्शन टू परफॉर्म द टास्क, पेज नंबर 27 की बात हो रही है, और प्रोवाइड यू विद द इंफॉर्मेशन व्हेन यू सेलेक्ट ए कमांड विद द एलिप्स आफ्टर इट डायलॉग बॉक्स अपेयर। तो इसका मीनिंग्स कहने का ये है कि जब भी आप सपोज दैट आप किसी भी फाइल में आपने वर्क किया और उसको आप सेव करना चाहते हैं, तो सेव कमांड पर आपने जैसे ही क्लिक किया, सेव कमांड पर क्लिक करते ही आपके सामने एक सेव डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। उस सेव डायलॉग बॉक्स में एक विंडो होती है, एक तरह से जो डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन होकर भी आता है वो भी हमारी क्या होती है, एक तरह से विंडो होती है, जिसका यूज करके हम कमांड को पूरी तरह से रन कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे इसमें कुछ कमांड्स, वैसे इसमें आगे भी दिया है, तो आगे हम पढ़ाएंगे आपको कल। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो। अगर एनी प्रॉब्लम कॉन्टैक्ट मी, थैंक्स।